बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो जी बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं चंद जरूरी बातें बताऊंगा जो कि न्यू फेंसर के लिए और जिन भाइयों ने नई नई हॉबी स्टार्ट कर दी हुई है, जिन्होंने एक दो पेयर खरीद लिया है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊँगा। तो वीडियो में जो मैं बातें बताऊँगा वो स्पेशली जो जिन्होंने नई नई हॉबी स्टार्ट की है या जो इस सीजन में ब्रीडिंग सीजन में बर्ड परचेज करके अपनी हॉबी स्टार्ट करेंगे उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में बताऊँगा कि मैं जो न्यू फैंसियर ने बर्ड खरीदना है, जिसे भी खरीदना है, उसने बर्ड खरीदने से पहले बर्ड में क्या क्या चीज़ें नोट करनी है, उस बाइक की शेड पर जाकर क्या क्या चीज़ें नोट करनी है। तो ये वीडियो जो है वो न्यू फैंसियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि हो सकता है कि जो पॉइंट आप स्किप कर दें तो आप जब बर्ड लेने जाएँ तो आप उसी पॉइंट को जो आपने देखा नहीं होगा, तो बर्ड में हुआ तो आपने वो देखा नहीं होगा, आप उसको चेक नहीं कर सकेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये इधर शोर काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं तो उसके लिए माजरत है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले ये मैं पॉइंट शेयर करूँगा आपके साथ कि आपने जब बर्ड खरीदना है किसी से भी, तो आपने सबसे पहले उसकी एवरी को चेक करना है कि उसकी एवरी में सफाई कितनी है। अगर उसकी एवरी साफ़ सुथरी है, आपने उसके केजेस के ट्रेज देखने हैं, केजेस के जो ट्रेज हैं वो साफ़ सुथरे हैं कि नहीं है, उसके बाद आपने देखना है कि बर्ड उसे कैसे हैं। उसके बाद इसके अलावा मैं वीडियो में आगे चल के आपको बर्ड एक पकड़ के वो भी बताऊँगा कि आपने बर्ड पकड़ के उसमें कैसे चीज़ें नोट करनी है कि आपको पता चल सके कि बर्ड उसका हेल्दी है कि नहीं है। सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि आपने जो है सफाई चेक करनी है। ये दिखाएंगे नीचे, जैसे ये देखें बर्ड जो लव बर्ड जो है वो सफाई जो उनकी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि सफाई की वजह से ही बर्ड की हेल्थ का पता चलता है। तो जैसे कि ये देखें मैंने सफाई की है, बट लव बर्ड जो है वो जिस दिन सफाई करो ट्रेस तो गंदी उसी दिन कर देते हैं, लेकिन जो है पता चल जाता है कि जो सफाई है वो कितने दिन पहले की गई है। एक हफ्ता के बाद सफाई की जाने वाली और एक महीने के बाद जो सफाई होती है उन दोनों में फ़र्क होता है, पता चल जाता है कि जो जिस सफाई के बाद भी आप गए हों किसकी लिए आप एवरी में गए हों, पता चल जाएगा आपको कि वो सफाई कितनी देर बाद करता है। तो सबसे पहला और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपने जो है वो उसकी एवरी की सफाई देखनी है कि सफाई कितनी है। दूसरे नंबर पे आप आपने देख लिया कि सफाई उसकी है ठीक है। अब आपने बर्ड को देखना है। बर्ड जो है मैं एक आपको पकड़ के तो उसका सारी मैं पॉइंट्स आपको बताता हूँ कि आपने बर्ड में क्या क्या पॉइंट जो है वो नोट करने हैं, जिससे आपको पता चल सकेगा कि जो बर्ड है वो हेल्थी है कि एक्टिव है। तो मैं बर्ड पकड़ के तो फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये एक मैंने बर्ड पकड़ा है, तो अब इसको मैं आपको पॉइंट्स सारे मैं समझाता हूँ कि आपने जब बर्ड्स परचेज करने हैं तो आपने क्या क्या चीज़ें बर्ड्स में नोट करनी है। ये जो मैं जो भी पॉइंट बताऊँगा न्यू फैंसियर्स के लिए, खास तौर पे न्यू फैंसियर के लिए, मैं फिर कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वीडियो कंप्लीट लाजमी देखिएगा ताकि आप किसी भी किस्म के मुश्किल से या परेशानी से बच सकें। तो ये दिखाएं जी, ये सबसे पहले आपने ये बर्ड को पकड़ के उसकी हेल्थ क्या चेक करनी है। कैसे चेक करनी है? सबसे पहले तो आपने उसकी ये चेक करना है कि उसमें उसको सोकड़े का मसला तो नहीं है, वो बर्ड जो है वो सीप में तो नहीं किया हुआ। तो सोकड़ा कैसे चेक करते हैं, सोकड़े के मतलब एक डिटेल वीडियो जो है वो मैंने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड की हुई है, वैसे मैं फिर भी इसमें बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले ऐसे बर्ड को पकड़ना है, ये जो इसकी सीने की हड्डी है ना, आपने इसको चेक करना है कि इसके हड्डी जो बाहर तो नहीं निकली हुई, उसके ऊपर जो मांस है उसके मसल जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, मसल्स हेल्थी हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जी बर्ड जो है वो सोकड़े में नहीं है, सीप में नहीं गया हुआ। तो ऐसे आपने हाथ मारना है, आपको पता चल जाएगा कि हड्डी उसकी निकली हुई है कि नहीं निकली हुई। ये हो गया पहला पॉइंट, आपने बर्ड का सोकड़ा चेक करना है। और अगर तो जो है कि बर्ड सोकड़े में हो तो सोकड़े से मुतल्लिक एक कंप्लीट वीडियो जो है मैंने अपलोड की है, उसमें मैंने बताया कि अगर आपका बर्ड जो है वो सोकड़े में चला जाए तो उसने उसको आपने कैसे जो है वो ठीक करना है, उसकी मेडिकेशन कैसे करनी है। तो उस वीडियो का जो है लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पहला पॉइंट था कि आपने सबसे पहले उसका सोकड़ा चेक करना है कि बर्ड सीप में तो नहीं है, उसकी सीने की हड्डी तो नहीं निकली हुई। दूसरे नंबर पे आपने इसमें उसके जो है वो नेल्स चेक करने हैं। ये देखें मैं दिखा भी रहा हूँ आपको साथ साथ, इसके लिए नेल्स हैं वो पूरे होने चाहिए। ये देखें चारों उंगलियों के नेल्स उसके कंप्लीट होने चाहिए, कोई भी नेल्स उसका मिसिंग नहीं होना चाहिए। वैसे जो है ब्रीडिंग में तो इतना इशू नहीं करता नेल्स, एक आधा अगर मिस हो तो, लेकिन फिर भी नेल्स पूरे हों तो बेहतर होता है। तो दूसरे नंबर पे आपने जो नोट करनी है चीज़ वो नेल्स हैं, बर्ड के नेल्स जो हैं वो पूरे होने चाहिए।
तीसरे नंबर पे जो सबसे और इम्पोर्टेंट बात आपने देखनी है और नोट करनी है वो है वर्ड्स की आई। आंखों को आपने गौर से देखना, आपको आंखों को देखना आना चाहिए कि वर्ड में आई इंफेक्शन जो सबसे बड़ा मसला लव वर्ड में होता है वो आईज इंफेक्शन का होता है। अब आपने आईज कैसे चेक करनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, बर्ड्स की आईज है, बर्ड्स की आईज जो है वो ड्राई होनी चाहिए, इनमें किसी किस्म का कोई पानी नुमा या कोई लिक्विड ना निकल रहा हो, आईज बिल्कुल राउंड हो, आईज बिल्कुल क्लीन हो, इनमें किसी किस्म का कोई दाना, कोई निशान, कोई जख्म वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर बर्ड, ये देखें इसके जो पलके हैं वाइट कलर का जो रिंग है, ये बिल्कुल इसके ऊपर किसी किस्म का कोई दाना या कोई निशान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन ओके होना चाहिए। बर्ड की आईज देखें चमकदार होनी चाहिए, किसी किस्म का कोई इसमें कोई जो है वो पानी ना बह रहा हो, किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन ना हो। अगर बर्ड में इन्फेक्शन हुआ और आपको आंखों का चेक किए बगैर आप बर्ड को ले आए और दान खासा उसको इन्फेक्शन हुआ तो आपके सारे के सारे शर्ट को इन्फेक्टेड कर देगा, वो सबके साथ बर्ड को आपको आई इन्फेक्शन खिला देगा। तो आपने आईज को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, आपने आईज आपको लाजमी चेक करनी आनी चाहिए। मैंने ये बताया आपको आईज के मतलब कि आईज आपने किस तरह से चेक करनी है। दूसरे नंबर पे आईज में अगर आपकी बर्ड की लव बर्ड की आईज में पानी निकल रहा हो, पानी क्या होता है कि जैसे हल्की फुल्की जब जो चीज तंदुरुस्त बर्ड होता है, वैसे तो जो है लव बर्ड की आंखें तो थोड़ी वैसे नेचुरल तौर पे नम होती हैं, गीली गीली होती हैं, लेकिन उनमें पानी नहीं होता। एक नमी नम होने में और आंखों से पानी निकल रहा हो या पानी बह रहा हो उसमें फ़र्क होता है। वो चीज़ आपने ध्यान से नोट करनी है, अगर बर्ड की आंखें गीली हों या आपको लगे कि इनमें जो है वो पानी निकल रहा है तो आपने वो बर्ड कभी भी नहीं खरीदना। वो अगर आपको ब्रीडर कहेगी कि इसको कुछ नहीं है, बर्ड आईज ऐसी होती हैं, वो बर्ड आपने कभी भी परचेज नहीं करना। जिस बर्ड की आंखें जो हैं वो ठीक होती हैं वो उसमें किसी किस्म का कोई पानी नहीं निकल रहा होता। जैसे कि ये दिखाएंगे, ये बर्ड देखें, बर्ड की आंखें बिल्कुल ड्राई हैं, किसी किस्म का कोई गीला नहीं है, कोई इसका राउंड जो है वो सर्कल है वो ख़राब नहीं हुआ, उसकी बिगड़ी हुई शेप नहीं हुई। एक और बात, जिस बर्ड की आंखों को कोई मसला होगा उसका जो ये जो रिंग है, ये वाइट कलर का जो रिंग है, ये प्रॉपर शक्ल में नहीं होगा, ये प्रॉपर जो है वो गुलाई में नहीं होगा, ये अंडे की शक्ल में फैला हुआ होगा या किसी भी कोई टेढ़ी मेढ़ी शक्ल में हुआ होगा। इसका मतलब है कि वो जो बर्ड है वो उसकी जो आई, उसको आईज का मसला है। अच्छा, ये हो गई तीन चीज़ें, लेकिन इन तीनों चीज़ों में सबसे अभी तक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो टीथ है और आंखों का जो है वो इन्फेक्शन है, वो आपने लाजमी चेक करना है। तीसरे नंबर पे आपने उसके ऐसे एक दफ़ा खोल के ना ऐसे पर चेक कर लेने हैं कि उसके पर पूरे हैं। कुछ जो बर्ड होते हैं ना जिनको फ्लाई का मसला होता है, उनके परों का भी एक्चुअली मसला होता है, उनके जो पर हैं वो शुरू से ही जो है वो कम होते हैं। ये चीज़ें आपने पर खोल के एक दफ़ा चेक कर लेने हैं, पर भी चेक कर लेने हैं, और आपने उस भाई को कहना है कि किसी केज में उसको छोड़ के दिखाया आपने, ऐसे परों से उसकी फ्लाई का पता नहीं चलेगा आपको। आपने उस भाई को कहना कि केज में छोड़ें, आपने उसकी फ्लाई को प्रॉपर चेक करना है कि बर्ड जो है वो केज में, ये जैसे इस केज में छोड़ लें या किसी भी ब्रीडिंग केज में छोड़ लें, तो आपने देखना है कि वो बर्ड प्रॉपर तरीके से फ्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर उसकी फ्लाई में ज़रा सी भी कोई कमी है या वो ठीक तरह से फ्लाई नहीं कर रहा तो आपने वो बर्ड को भी नहीं परचेज करना। ये वो चार चीज़ें। उसके बाद आपने जी चेक करना है सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो इस जो ये भी ये जो मैं पॉइंट बताऊंगा ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या चेक करना है जी? हाँ जी, ये वेंट वाला हिस्सा जो है ये चेक करना है आपने। ये देखें, ये बिल्कुल साफ सुथरा और ड्राई होना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ किसी किस्म की कोई गंदगी लगी हुई है या ड्रॉपिंग लगी हुई है या गीलापन लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि बर्ड को लूज ड्रॉपिंग है, वो भी बर्ड आप कभी भी परचेज नहीं कर सकता। ये शोर कर रहे हैं तो उसके लिए माजरत है, तो लव बर्ड है ये शोर बोर करते हैं। अच्छा, मैं बता रहा था कि उसकी वेंट वाला हिस्सा ये दिखाएं एक दफा फिर जी। इधर अगर ड्रॉपिंग लगी होगी या इसका जो अगर जो 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 तो बर्ड हेल्थी होगा उसका ये जो वाला वेंट वाला हिस्सा है बिल्कुल ड्राई बिल्कुल साफ सुथरा होगा। जैसे ये देखें मैं बर्ड का आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ किसी किस्म की कोई गंदगी नहीं होगी, किसी किस्म का कोई निशान नहीं होगा, कोई ड्रॉपिंग नहीं जमी होगी। ये एक हेल्थी बर्ड की निशानी होती है, इसका मतलब है तो उसका डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल ठीक है। ये पॉइंट, एक और पॉइंट आपने जो चेक करना है इसके बाद, ये ड्रॉपिंग के बाद आपने चेक करना है, अब माइट्स वगैरह तो नहीं है बर्ड को, कोई जुए वगैरह या कोई जो परों में जो जुए वगैरह पड़ जाती हैं वो तो नहीं है, वो आपने कैसे चेक करना है? आएंगे ये बर्ड के जो इधर पर हैं इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता से ऐसे चेक करना है, हल्की हल्की आपने उसको फूंक मार के तो ऐसे ऐसे चेक करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। अगर तो माइट्स वगैरह हुई तो आपको ऐसे पता चल जाएगा।
ऐसे आराम आराम से आपने बर्ड को लाजमी चेक करना है कि माइट्स वगैरह तो नहीं है। ये था माइट्स चेक करने का तरीका। तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो कि न्यू फैंसियर को लाजमी पता होने चाहिए बर्ड खरीदने से पहले। और जो भी भाई इस सीज़न में अपनी हॉबी स्टार्ट करेंगे या जिन्होंने नई नई हॉबी स्टार्ट की है और वो आगे सीज़न में और बर्ड परचेज करेंगे, तो ये वो एक दफ़ा वीडियो लाजमी मुकम्मल देख लीजिएगा ताकि उनको पता चल सके कि जो बर्ड उन्होंने खरीदने हैं या जो वो बर्ड खरीद रहे हैं उनकी हेल्थ कैसी है, वो ठीक हैं भी या नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो बर्ड्स को चेकिंग के हवाले से। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किए हैं जो कि उम्मीद है कि न्यू फैंसियर के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आपको नई वीडियो का हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।